नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है और मैं आपका इस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपका स्वागत करता हूं। आज एक विषय में बात करेंगे जो दो मुख्य बीमारी हैं एचएफ में, वो है थलेरिया और बबेशिया। इस बीमारी की वजह से दोस्तों मुझे भी पहले काफ़ी नुकसान हुआ था जब हमें अनुभव नहीं था। बहुत ही घातक बीमारी है और इससे हमें भी दो तीन गाय को खोना पड़ा। मैं चाहता हूं कि दोस्तों और मेरे कोई मित्र और हम आगे इस बीमारी की वजह से हमारे पशुओं को नुकसान ना पहुंचे, इसके बारे में सोचेंगे कि क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और डॉक्टर इसके इलाज भी करते हैं, सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं और इसका उल्टा सीधा इलाज करके पशुओं को खो देते हैं। पशुपालकों को काफ़ी नुकसान होता है, तो दोस्तों जानते हैं कि इसको इससे कैसे बचा जाए। मित्रों ये बीमारी होती है छींचड़ से। हमने सभी डॉक्टरों को पूछा कि भाई थलेरिया बबेशिया होता है, ट्रीटमेंट हम करवाते हैं आपसे, आप ट्रीटमेंट करते हैं, पशु ठीक होता है ठीक नहीं भी होता है। हमने जानने की कोशिश की बीमारी आती कहाँ से है। तो ये बीमारी में हमें पता चला कि बीमारी डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि जूं छीछड़ से ये बीमारी लगती है। सबसे ज़्यादा ये थलेरिया बबेशिया जो है छीछड़ से लगता है। तो हमने सोचा कि ये छीछड़ को ही ख़त्म क्यों न किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में ये थलेरिया और बबेशिया ना हो। तो छीछड़ को ख़त्म करने का उपाय हमने सोचा कि हम पूरा स्टिक उपचार निकाले कि इस छीछड़ हमारे फार्म से ख़त्म ही हो जाए। तो दोस्तों हमने हर 15 दिन में हमारे फार्म पर जहाँ जहाँ पशु घूमते हैं वहाँ पर हमने स्प्रे करना शुरू किया और करीबन 3-4 महीने तक हर 15-15 दिन में हम स्प्रे करते रहे। और पशुओं पे हमें कहीं जूं छींचड़ दिखा तो उन पे भी हमने स्प्रे किया, करते करते हमारा फार्म बिल्कुल छींचड़ और जूं से फ्री हो गया। तो दोस्तों अभी 1-2 वर्ष से हमारे पास कोई थलेरिया और बबेशिया का केस नहीं बना है। तो मित्रों अगर आप एचएफ का फार्म है आपके पास और एचएफ का फार्म आप रखते हैं तो आप जूं और छीछड़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके फार्म में जूं और छीछड़ नहीं होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पशु पर जूं और छीछड़ हो रहे हैं, आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, डॉक्टर आते हैं, उनको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जूं छीछड़ मर जाते हैं, स्प्रे करते हैं, जूं छीछड़ मर जाते हैं, फिर से हो जाते हैं। फिर से क्यों होते हैं? क्योंकि आपके फार्म से नहीं मरे हैं, वो पशु से तो मर जाते हैं, पशु से हट जाते हैं, लेकिन आपके फार्म से नहीं हटते हैं और फार्म से वापस आपके पशु पर आ जाते हैं। बार बार पशु पे जूं छीछड़ लग जाते हैं और इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, थलेरिया बबेशिया हो जाता है, उसका इलाज भी बहुत महंगा होता है और सक्सेस बहुत कम होता है। क्योंकि बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स किसान जान नहीं पाते हैं कि कहीं पे लैब की फैसिलिटी नहीं होती है, चेक नहीं कर पाते हैं कि इसको हुआ क्या है और दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और पशु मर जाता है, इससे बहुत नुकसान होता है। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर 15 दिन हमारे फार्म में 1 लीटर पानी में 5 ml बुटॉक्स मिलाकर स्प्रे करता हूँ। उससे क्या होता है कि छींचड़ और उसके अंडे सारे ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे भी जो कीट नुकसानदायक होते हैं पशुओं में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और पशुओं पर अगर जूं छींचड़ लगता है, मुझे कहीं दिखता है ऐसा, तो मैं MSD की जो टैक्टिक आती है वो 1 लीटर पानी में 2 ml करके पशु पर लगा देता हूँ, उससे दूसरे ही दिन पूरे सारे छीछड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो आप भी ये दवाई का इस्तेमाल करिए और अपने पशुओं को बचाइए, जूं छीछड़ नहीं लगे, आपका उत्पादन भी बना रहेगा और आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा और आपका फार्म भी आगे बढ़ेगा। और दूसरा मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि HF को आप हमेशा फ्री रखिए, खुले में रखिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने एक बच्ची है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये करीब अभी 19 महीने की है और 6 मंथ प्रेग्नेंट है, 3 मंथ्स के बाद में ये डिलीवर करेगी, तब इसकी उम्र 22 महीने हो जाएगी। आप देखिए ग्रोथ बिल्कुल, कहीं पे भी जूं छीछड़ कुछ भी इन पे लगा हुआ नहीं है, एकदम स्वस्थ और फ्री माइंड। धन्यवाद।